गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 15, आवर एनवायरनमेंट मींस हमारा वातावरण। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द आवर एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ मेकिंग आवर एनवायरनमेंट डर्टी मींस हमारे वातावरण को कौन गंदा करता है, एंड सेविंग आवर एनवायरनमेंट और हमारे वातावरण को कैसे हमें सेव करना है। ओके, टीचर सेज लुक एट द पिक्चर हेयर इन इज द हाउस इन अ क्लीन सराउंडिंग। आप इस पिक्चर में देखो, क्या इसका जो हाउस आपको दिख रहा है उसके चारों तरफ के साफ है। जो या सेज नो इट इज़ डर्टी, नहीं इसके चारों तरफ गंदा है। टीचर सेज डू यू थिंक इट इज़ हेल्दी टू लिव इन सच अवर सराउंडिंग्स। क्या आप सोचते हो कि जो आपके चारों तरफ है वो आपको हेल्दी बनाता है? जोया नो। टीचर सेज टुडे वी विल लर्न अबाउट हाउ अवर सराउंडिंग्स शुड बी कैप्ट क्लीन। हमें अपने चारों तरफ को कैसे क्लीन रखना चाहिए? नो। सो व्हाट इज़ द अवर एनवायरनमेंट? देखिए हमारा वातावरण क्या होता है। द सराउंडिंग इन विच वी लिव टुगेदर विद द सन, एयर, सॉइल, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल अबव नेचुरल थिंग्स इज कॉल्ड एन एनवायरनमेंट। मीन्स हमारी चारों तरफ जो चीज़ें होती हैं जहाँ हम एक साथ रहते हैं, जैसे कि सन, एयर, सॉइल, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स और बहुत सी चीज़ें जो हमें प्रकृति से मिलती हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? हमारा वातावरण बोलते हैं। ओके, दे आर रिसोर्सेस, ये हमारे रिसोर्सेस हैं। वी नीड ऑल दीज रिसोर्सेस टू लिव, और ये सारे रिसोर्सेस जो हैं जैसे कि सन, एयर, सॉइल, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, इन ये सब में जीवित रहने में मदद करते हैं, मीन्स हमें रहने में मदद करते हैं। इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ देम आवर एनवायरनमेंट विल गेट पॉल्यूटेड एंड डर्टी। अगर हम इन सब की केयर नहीं करते हैं तो हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो डर्टी हो जाएगा, मीन्स गंदा हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। ओके, अगर आप अपने चारों तरफ को गंदा रखोगे तो क्या होगा? आपका जो वातावरण है वो गंदा हो जाएगा, आपके चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई देगी। इट विल ऑल्सो मेक अस सिक, और ये अगर आपके चारों तरफ का वातावरण गंदा रहेगा तो आप क्या होगा कि आप बीमार भी हो सकते हो। ओके, बीमार हो जाओगे आप। सो द फॉलोइंग थिंग्स हार्म द एनवायरनमेंट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक होते हैं। फर्स्ट इज़ कटिंग ट्रीज़ अननेसेसरली, मीन्स अगर ट्रीज़ ज़्यादा कटते हैं, ट्रीज़ का कटना हमारे लिए अननेसेसरली होता है, मतलब मीन्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, जो व्हीकल्स से धुआं निकलता है वो भी हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करता है। बर्निंग थिंग्स इन द ओपन, कुछ चीज़ों को ओपन में जलाना, उससे क्या होती है हमारी एयर पॉल्यूटेड होती है। लास्ट इज थ्रोइंग गार्बेज इंटू वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, रिवर्स एंड सीज, और जो कूड़ा हम लोग फेंकते हैं वो हम लोग को वाटर बॉडीज में नहीं फेंकना चाहिए, जैसे कि लेक्स में भी कूड़ा जाता है, रिवर्स में भी जाता है और सीज में भी जाता है। तो हमें अपना कूड़ा जो है ना तो लेक्स में फेंकना चाहिए, ना ही रिवर्स में, ना ही सीज में। ओके, बहुत जगह क्या होता है कि फैक्ट्रियों का जो अननेसेसरी थिंग्स होती हैं वो हमारी रिवर्स में या लेक्स में या सीज में निकाल दी जाती हैं, उसमें पानी में डाल दी जाती हैं। ओके, दिस इज़ हार्मफुल फॉर आवर वाटर बॉडीज। नाउ सेविंग फॉर एनवायरनमेंट, देखिए वी ऑल कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेविंग द एनवायरनमेंट। ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को सेविंग करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। वी कैन सेव द एनवायरनमेंट बाय डूइंग द फॉलोइंग थिंग्स, हमें इन सब अपना एनवायरनमेंट ठीक करने के लिए इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट इज़ प्लांटिंग मोर ट्रीज, मीन्स अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने चाहिए। नॉट लिटरिंग द प्लेस विद रैपर्स एंड प्लास्टिक पैक्स, किसी भी जगह पर हमें रैपर्स को या प्लास्टिक बैग को फेंकना नहीं चाहिए। नॉट वेस्टिंग पेपर, पेपर को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए।
यूज़ इन पेपर, जूट और क्लॉथ बैग एनस्टेड ऑफ पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग्स की जगह हमें पेपर का यूज़ करना चाहिए, जूट या क्लॉथ बैग का यूज़ करना चाहिए। इस तरह से हमें अपने एनवायरनमेंट को सेव रख सकते हैं। ओके, नाउ टुडेज योर होमवर्क इज़ वॉच योर वीडियो एंड रीड द चैप्टर।